हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज गाइस मैं आप लोगों के लिए कुछ लेके आई हूँ। तो फेस्टिव सीजन चल रहा है, फेस्टिवल का सीजन है, तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लीन किया है, गर्म पानी ले लिया है, तो यहाँ पे हल्का सा गुनगुना पानी है और एक नैपकिन ली है, उसकी उसको पानी निचोड़ के फिर अपने स्किन पे रब, मतलब कि एक तरह से हल्के हाथ से घुमाना है और अपने उससे, ताकि हमारा फेस क्लीन हो जाए गर्म पानी से। तो फेस क्लीन करते रहना, ये सबसे अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे मैं क्लीन अप लेके आई हूँ कि आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कहीं जाना है शादी में या फिर कोई त्यौहार है, तो आप कैसे घर पे बैठ के क्लीन अप करें। तो यहाँ पे एक मैंने टमाटर लिया है, साफ़ कर लिया है उसे, एक टमाटर लिया है और उसका अभी मैं रस निचोड़ लूँगी छोटे से बाउल में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच मुझे रस चाहिए क्लिनजिंग के लिए, जो मेरा पहला स्टेप है क्लीनअप का, वो क्लिनजिंग है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत जो उसका टमाटर का हिस्सा आ गया, उसको भी मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ यहाँ पे चाकू की हेल्प से। तो इसमें देख सकते हैं, अब मैंने आधा चम्मच मैंने कम से कम लिया है टमाटर। तो टमाटर हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्दी है, आप सभी जानते हैं इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो एक मतलब स्किन ग्लोइंग करता है और टाइटनिंग का काम करता है। तो यहाँ पर मैंने मॉइस्चराइजर करने के लिए यहाँ पर दही लिया है। अगर आपके पास, आपको दही नहीं पसंद है, आपको सूट नहीं होता, तो आप कच्चा दूध यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे दही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि और ज़्यादा वो मॉइस्चराइज करता है स्किन को और हेल्दी बनाता है। तो यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और कंटिन्यू मिक्स करना, ताकि वो अच्छे से दोनों मिक्स हो जाए मेरा, और उसके बाद हम क्लिनजिंग का काम करेंगे। यहाँ पर मेरा जो दोनों को मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, अब बारी आती है हम इसको अपने फेस पर लगाना है और अच्छे से थोड़ा सा मसाज करना है, एक तरह से 2 मिनट का मसाज करना है आपको हल्के हाथों से। बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहा अपने स्किन पे, और इसमें दही है जो कि मॉइस्चराइजर का काम करता है, आप सभी को पता है, और स्किन को मतलब कि हाइड्रेट करता है, प्रोवाइड करता है, वो हाइड्रेशन का काम करता है यहाँ पे, और हमारी स्किन को अच्छे से मेंटेन करता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से क्लिनजिंग कर ले रही हूँ दही और टमाटर का जूस की हेल्प से, और ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा। और आप मेरा स्टार्टिंग का फेस देख चुके हैं, अगर आप इसी वीडियो के एंड में देखेंगे तो मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा। यहाँ पे मैं पास से मैं भी दिखा रही हूँ, जो उसका टेक्सचर है ना दही की वजह से, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, और जो टमाटो है वो हमारी टैनिंग को भी, जो हमारे अंदर जो हमारे स्किन में टैनिंग की प्रॉब्लम्स होता है उसको भी कम करता है। हम बट ऑब्वियस नॉर्मल सी बात है गाइस, हम बाहर जाते हैं, हमें सन टैन की प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके लिए टमाटर इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी यहाँ पर मैं क्लिनजिंग का काम कर रही हूँ और अच्छे से 2 मिनट तक मसाज करूँगी अपने फेस पर, उसके बाद मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने वापस से वो गुनगुना पानी जो लिया था मैंने एक छोटे से बाउल में, उसमें नैपकिन से, उसकी नैपकिन की हेल्प से मैं अपने फेस को क्लीन कर ले रही हूँ। आपको हर बार एक स्टेप करने के बाद अपना स्किन क्लीन करते जाना है, अब पानी साफ़ होना चाहिए, पानी गंदा ना हो। तो मेरा दूसरा स्टेप है वो स्क्रब। तो स्क्रब के लिए जो मेरा पहले का क्लिनजिंग का जो मटेरियल था, वो मैंने वैसे ही उसमें ही उसी बोल में यहाँ पर गेहूँ का आटा लिया है और दही लिया है। दही 2 चम्मच है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया। अगर आपको गेहूं का आटा यूज़ नहीं करना है, तो आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का आटा तो हर किसी के घर में होता है, और ये जो गेहूं के आटे की बात करें तो वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और टैनिंग की प्रॉब्लम को स्पेशली दूर करता है। तो यहाँ पर दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तीन को, टमाटर है यहाँ पर, टमाटर का जूस है, दही है और गेहूँ का आटा है, तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम स्क्रब का काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरा मिक्स हो चुका है गाइस, अभी मैं यहाँ पे स्क्रबिंग का काम करूँगी। तो पहले पूरे फेस पे लगा लूँगी बारी बारी, मतलब पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है, और आपको नीचे से स्टार्ट करना है, हमारे दोहड़ी की जो पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करके पूरे पूरे फेस पे लगा के जाना है। तो यहाँ पर पहले मैं हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ, हल्के हाथों से आपको अपने फॉरहेड पर, अपने नेक पे, हर जगह अप्लाई करना है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फूल कपड़ा पहना था, तो इसके लिए मैं अपने नेक पे पूरा उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, क्योंकि जो मेरा कपड़ा है वो गीला हो जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ। पर ना ये सच में, अगर आपको कहीं जाना है, कहीं करवा चौथ है, चाहे तीज हो, चाहे कोई फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप इसको आधे घंटे पहले इस्तेमाल कर ले, आप क्लीनअप कर ले, उसके बाद मेकअप कीजिए, आपका स्किन बहुत ग्लो करेगा गाइस, ट्रस्ट मी। तो यहाँ पे भी मैं स्क्रबिंग का काम कर रही हूँ, और आपके जो डेड स्किन है ना उसको भी रिमूव करता है, आपके डलनेस की प्रॉब्लम को रिमूव करता है, कम करता है, तो ये बहुत ही अच्छा है, और जो एक्ने की प्रॉब्लम्स होता है उसको भी कम करता है। तो जो टमाटो है तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे एजिंग प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करता है और उसे सॉल्व करता है।
टाइटनिंग का काम करता है, टेनिंग को रिमूव करता है, और दही तो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, मॉइस्चराइज करता है अच्छे से हमारे स्किन को और मेंटेन करता है, और मुहासे झुर्रियाँ जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो यहाँ पे मैं उंगलियों की हेल्प से कभी हाथों से अच्छे से स्क्रब कर ले रही हूँ, और बहुत ही लाइट वेट, मतलब आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना है, हल्के हाथों से करना है। और यहाँ पे डार्क सर्कल जैसी प्रॉब्लम्स है आपकी स्किन को तो वो भी रिमूव करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा क्लीनअप है। आप घर बैठे हो कम पैसों में, यार कितना दही आटा ये तो हमारे घर में हर किसी के घर में पाया जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा क्लीनअप है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। और ये बहुत ही मतलब कि ना आपकी स्किन को जो अंदर की जो गंदगी है, डर्नेस की प्रॉब्लम, डर्ट्स है, वो सबको अच्छे से क्लीन करता है। अगर आपको ऑयल का प्रॉब्लम है, आपकी आपकी स्किन ऑयली है, तो जो टमाटर है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो अभी मैं सेम दूसरा जो मेरा थर्ड स्टेप है वो भी स्क्रबिंग का है। अगर आपको आटे से नहीं करना है तो एक आप काम कीजिए, जो टमाटर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है थोड़ा सा कड़क होता है, अभी मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी। चावल का आटा हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, हल्के हाथों से। आप तो ये डेली यूज़ कर सकते हो, ये जो स्टेप मैं अभी बता रही हूँ जो थर्ड स्टेप है, आप इसका डेली यूज़ कर सकते हो। और उसमें हल्का सा मैंने दही डाल दिया ताकि मेरे स्किन को मॉइस्चराइज करे, क्योंकि मेरा स्किन है वो ड्राई है। तो यहाँ पे मैं इसमें अभी इसकी हेल्प से, टमाटर की हेल्प से अपने पूरे स्किन पे घुमाऊंगी और स्क्रबिंग का काम करूंगी। और ये सच में गाइस और एक बहुत ही बेनिफिशियल है और अच्छा काम करता है। अगर आप मेरे लास्ट में आप मुझे देखेंगे तो कितना अच्छा ग्लो कर रहा है मेरा स्किन, आप सच में मानेंगे कि सच में ये बहुत ही हेल्दी है। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली में, और मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे अभी मैं स्क्रबिंग का काम कर रही हूँ। और ना ये आपको अगर गेहूं का आटा नहीं लेना है, आपको तामझाम लगता है, तो आप सबसे सिंपल तरीका है कि आप टमाटर है, अगर आपको टेनिंग का प्रॉब्लम ज़्यादा है तो मैं कहूँगी आपको, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे सिर्फ टमाटर लीजिए, उसको कट कीजिए बीच में से और थोड़ा सा चावल का आटा लगा दीजिए उसमें, और उसके बाद आप स्किन पर रब कीजिए 5 मिनट तक, 2 मिनट तक, हल्के हाथों से आपको रब करना। आप हफ्ते भर करके देखिए, आपको आपका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि कितना बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। तो यहाँ पे अभी मेरा स्क्रब हो चुका है और आप मेरी स्किन देख सकते कितना अच्छा ग्लो कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ में दही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसके लिए मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई नहीं है, थोड़ी सी ऑयली टाइप की, तो आप इसकी जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि आपका जो दूध है वो कच्चा होना चाहिए। तो आप मेरी स्किन देख सकते कितना अच्छा कर रहा है, कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। अभी तो जो थर्ड स्टेप है, जो हमारा पैक है, उसका अभी मैं बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है और उसमें हल्का सा मैं वापस से टमाटर का जूस डाल रही हूँ, और मेरे कटोरी भर में जो दही लिया था, यहाँ पे जो मेरी कटोरी में दही है वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी, तो मैंने अलग से इसमें दही डाला था। और ये हल्दी घर का है जो हम खाने में डालते हैं, तो ये इसको मैंने बहुत ही हल्का सा डाला है। अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो आपकी स्किन पीली पीली सी दिखेगी। फेस के लिए अलग से दही हल्दी आती है, तो आप उसको परचेज़ कर लीजिए, पर मैंने यहाँ पे घर का दही हल्दी इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए मैंने बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी डाली, क्योंकि ना ज़्यादा पीला पीला दिखेगा तो हमारी स्किन बहुत येलो टाइप की दिखती है। तो यहाँ पे मैंने, और इसमें हल्का सा मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्किन जैसे कि ड्राई है, इसके लिए मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो हल्दी है वो हमारे एक्ने प्रॉब्लम को दूर करता है, और हमारे जो अगर स्किन में आपको अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम से उसको रिड्यूस करता है, और जो स्किन इरिटेशन होते हैं बहुत लोगों को उसको दूर करता है, रिंकल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको झुर्रियाँ हैं ऐसी चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है हल्दी, तो उनको भी कम करता है। और मैं बोलूँगी जो हल्दी है हमारे स्किन के लिए एक हेल्दी मास्क है, तो आपको हल्दी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे जो राइस है वो हमारे सन टैन को रिमूव करता है, पिंपल्स को भी रिड्यूस करता है, और जो मतलब एक ना इवनिंग आउट स्किन प्रोवाइड करता है वो हमें, तो ये बहुत ही अच्छा है। और दही तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा ले रही हूँ ताकि मेरे फेस पे एक अच्छा सा ग्लो आए। और दही तो हमारे मुहासे को, झुर्रियों को और बहुत ही अच्छे से दूर करता है, और दही अगर आप गर्मी में लगाते हैं ना तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो एक ठंडक स्किन के लिए ठंडा होता है। और तो यहाँ पे मुझे 10 मिनट रखूँगी मैं फेस, जो मैंने यहाँ पे फेस मास्क बनाया उसको 10 मिनट रखना है, उसके बाद मैं रिमूव कर दूँगी।
तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप 10 मिनट बाद मुझे देखेंगे तो ऑन कैमरा में दिखा रही हूँ गाइस यहाँ पे, तो आप देखना कि कितना अच्छा है, कितना अच्छे से हमें ये स्किन मतलब ग्लोइंग और हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है, वाइटनिंग देता है, ब्राइटनिंग का काम करता है यहाँ पे ये मास्क। तो अभी आप मेरा फेस देख सकते हैं कितना अच्छा क्लीन दिख रहा है और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम्स तो पूरी तरह से रिमूव करता है गाइस। यहाँ पे मेरा क्लीनअप तो हो गया है, पर एक बात और बोलूँगी, अगर आप जब भी फेस क्लीन करेंगे ना तो आपका नैपकिन, आपका पानी क्लीन होना चाहिए। तो अभी मैं आप मेरा स्किन देख सकते हैं कि कितना ग्लो कर रहा है। अभी आपके सामने मैं कुछ करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है, अपने अपने बाल को मैंने कोम भी नहीं किया है, मॉइस्चराइज़र लिया है और पहले पूरा जब आपका फेशियल हो जाए, क्लीनअप हो जाए तो मॉइस्चराइज़र लगा ले। और मॉइस्चराइज़र डेली लगाना है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि मॉइस्चराइज़र डेली लगाया। यहाँ पे मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा के हल्का सा मसाज कर लूँगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्किन के लिए अच्छा होगा, आपका स्किन मतलब सालों तक हेल्दी रहेगा। आपका जब एज भी हो जाएगा तो वो आपका एज दिखेगा नहीं, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अभी मैं यहाँ पे एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसके लिए मुझे एलोवेरा मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको बिना कुछ कोई फाउंडेशन, बिना कोई फेशियल मतलब कि क्रीम लगाए बिना मैं आपको आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। मेकअप क्या, एक मतलब कि नॉर्मली एक लुक दिखा रही हूँ कि आप ऐसा क्लीनअप करने के बाद आपको ऐसा हेल्दी और ग्लोइंग स्किन मिलता है। तो आप मेरा स्किन तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है और एक दिन का ये रिजल्ट है सब। डेली तो मैं यूज़ मतलब कभी कभार हफ्तों में अगर आप, हाँ और मैं एक बात बता दूँ, आप हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्लीनअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजल लिया है, काजल लगा लूँगी अपने आँखों में और बहुत ही सिंपल सा लुक रखा है। मैंने बाल को कोम भी नहीं किया, आपके सामने कर रही हूँ मैं, तो ये कोई फेक रिज़ल्ट नहीं है कि आपको ये फेक लग रहा होगा। तो यहाँ पे मैं काजल लगा ले रही हूँ और उसके बाद नॉर्मल सा एक लिपस्टिक लगाऊंगी और बस। आप देख सकेंगे कि मेरा जो स्किन है, आप बोल नहीं सकते कि आपने कुछ किया नहीं है, आप किधर पार्लर में नहीं गए, आपको एक मतलब पार्लर जैसा क्लीनअप और ये लुक लगेगा। तो यहाँ पर मैंने काजल लगा लिया है, अब बारी आती लिपस्टिक की और एक लिपस्टिक लगा लिया, हो गया मेरा मेकअप। आप बोल सकते हैं क्या कि ये मेकअप किया हुआ है कि नहीं, कि आप खुद ही बताइए मुझे, आप मुझे कमेंट करना। मुझे अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने मेकअप के बहुत सारे वीडियोज़ डाले हैं तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन आए। तो आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे मेकअप हो गया, मैंने ईयरिंग कुछ भी नहीं पहना है और आपके सामने ये मैं करके दिखा रही हूँ। तो आप देखिए और मुझे बोलिए कि कैसा लग रहा है आपको। तो सही में ये रिज़ल्ट है ना फ़ायदेमंद, और सच में ये सिंपल सा है, घर में करना है, घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके करना है। तो मुझे लगता है कि आप भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए आपको भी। तो यहाँ पे मेरा जो क्लीनअप है वो कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।